कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान आज बनिहाल में कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में सफेद रंग की टी शर्ट में ही वॉक करते नजर आए। लेकिन इस बीच उनका हौसला तब और बढ़ गया जब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी राहुल गांधी के साथ ही उन्हीं के लुक में नजर आए। शुरुआत में उमर अब्दुल्ला भी राहुल गांधी की तरह ही सफेद रंग की टी शर्ट पहने नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्हें जम्मू कश्मीर की कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ, उन्होंने झट से टोपी और हाफ जैकेट पहन ली। भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट से उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा गया, क्या रोकेगा हमें कोई, हमने वक्त को बदला है, साथ हमारे होकर जमाना पूरा चला है। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम श्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी संग मिलाए कदम से कदम। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से एक के बाद एक कई तस्वीरें शेयर की गयी और लिखा गया, वादियों को सलाम। बर्फीली वादियां, तिरंगा और चेहरों पर मुस्कान, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर की वादियों में तिरंगे का परचम बुलंद कर रही है। जय हिंद। आज भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कदम ताल की। देश जोड़ने सब साथ आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला रामबन जिले के बनिहाल से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए और लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर ट्रक यार्ड पर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम किसी व्यक्ति की छवि के लिए नहीं बल्कि देश की छवि के लिए इसमें शामिल हुए हैं। अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली जम्मू कश्मीर की आवाज़ नहीं सुनता है, हमारी आवाज़ दबाई जाती है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। आज़ादी के बाद ये संभवतः पहली बार है जब सत्तारूढ़ दल ने मुस्लिम समुदाय का कोई भी सदस्य ना तो लोकसभा में है ना ही राज्यसभा में। ये उनके रुख को दर्शाता है। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुँच चुकी है। यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में सम्पन्न होगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।